The COVID-19 pandemic is here to stay, and doctors are noticing symptoms of PMIS, that is the Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome. So far, nearly 100 children admitted at Mumbai's Wadia Hospital have shown symptoms. 18 of those children are showing symptoms out of those 100, and two children have also lost their life, according to doctors. Children are at high risk from COVID. And doctors at Mumbai's Wadia Hospital are treating around 100 COVID-19 affected children. They say at least 18 of these children have shown symptoms of PMIS, and two among them have died. दो केसेस मरे हैं जो एक में कोमॉर्बिडिटी जो बोलते हैं उनको सीवियर तरह की कैंसर के साथ कोविड थी तो उनकी जो सिम्टम्स अलग सी थी और एक जो बच्ची थी वो जब आई थी बहुत ही सीरियस थी उनको ऑलरेडी दो हफ्ते की इलनेस बाहर थी और फिर हमारे यहाँ रेफ़र किया गया और कैजुअल्टी में ही उनको इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे ऊपर हमको इमिडिएटली डालना पड़ा और छः घंटे के अंदर बच्चे की मौत हुई क्योंकि हमको टाइम नहीं मिला उनके सपोर्ट करने के लिए और दवा की असर होने के लिए दूसरे जो केसेस हैं हम बहुत सारे ऑलमोस्ट अभी चार केसेस अभी भी हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे हैं और दूसरे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं रविंद्र बोरकर एक्सप्लेन्स हिज 10-year-old नीस हैड पीएमआईएस एंड इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम टू डायग्नोज इट एज डॉक्टर्स स्ट्रगल टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग विद हर मेरे भाई की लड़की है 10 साल की जब ये अपने एरिया के जो फैमिली डॉक्टर है वो लोग ने मलेरिया है टाइफाइड है ऐसे बोल के दो तीन दिन हम लोग घूमे इधर उधर उसके बाद में फिर मेरे इधर ही काम करता हूँ स्टाफ हो सिक्योरिटी स्टाफ इसीलिए मैं ड्यूटी पे रहते हुए वो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसका बीपी बहुत डाउन है तभी इधर लेके आए थे तभी उसका बीपी अंडर 70 कुछ कम था तभी IVIG करके हमारे डॉक्टर ने बहुत कुछ सब ट्रीटमेंट चालू किया है इमरजेंसी में IVIG जो इंजेक्शन है वो इमरजेंसी हमको चालू करके हम मेरे बच्चे को ठीक किया है अभी भी ठीक है आइसोलेशन वार्ड में PMIS was first discovered by Japanese pediatrician Tomisku Kawasaki. Symptoms are fever, skin rash, redness of eyes, fatigue and diarrhea. It is a type of Kawasaki disease and is seen in young children and are specially seen in children who are exposed to infections. Kawasaki is usually seen in children below 5 years, but PMIS in India is being seen in children between the age of 10 months to 15 years. If there is no timely treatment, it can become fatal. Any fever more than 101, 101 ke upar for 2 to 3 days, apne ko sochna chahiye. Bukhar ke saath pet mein dard, julab, ulti ho sakta hai. 100% को बुखार रहेगा तो 80% को पेट का दर्द और जुलाब उल्टी होगा आँखों लाल 60% बच्चे लोग को आँख की लाल हो सकती है दूसरे 50-60% बच्चे लोग को जबान लाल या जबान में छाले हो सकते हैं इसके साथ 30-40% ऑफ द पेशेंट को 30-40 गुना पेशेंट को हाथ में रैश आ सकता है या हाथ और पैर में सूजन आ सकता है या बॉडी में कहीं भी रैश आ सकते हैं तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये सब सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए अगर दो या तीन सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए हर ऑल्टरनेट डे और दो दिन में एक बार एक बच्चू तो आता है बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल में नियरली उन्होंने 100 जितने देख चुके हैं Doctors are researching on these cases and the ICMR is being informed about these as well. They say these cases have been reported in Mumbai since June and are usually being reported during the peak. Doctors say such cases have been reported in Chennai, Delhi and Jaipur as well. In Mumbai with Pooja Bhardwaj, Saurabh Gupta, NDTV.